अब गर्दन को सर मरोड़ा है तो ही पता नहीं है, एंड कोई पीटा है तो ही पता नहीं है। अभी क्या? अरे तो आपकी धरती माता ऊपर क्यों है? आई तो है तो सारा अपन जेल में है। घटनाक्रम ये हुआ सर, मेरा नाम जेठाराम सनोब लाला राम भील दुद्धू, जो अभी मृतक है ना उसका मैं, उसका हाँ साहब हाँ मैं मृतक का भाई हूँ, सगा भाई हूँ मृतक का, ठीक है साहब। मेरा भाई ये एक पैर से दिव्यांग है सर, विकलांग है हाँ, और ये लगभग दो माह से अंदर है सर, 2 माह से। तो इसकी कल सर हुई थी बैल, 3 बजे बैल हुई, 3:30 तक तेरी पहुँची वहाँ जेल में। तो हमने वहाँ पहुँचा दी थी, तेरी पहुँचाने के बाद में इनको छोड़ो था, 4 बजे छोड़ेंगे, 5 बजे छोड़ेंगे, 6 बजे छोड़ेंगे, 7 बजे छोड़ेंगे। तो 7 बजे तक हमने सर वहाँ वेट किया, इंतजार किया। तो 7:07 पर हमें बुलाया जेल स्टाफ ने कि भूमा राम के वारिस है कोई। जब मैं दौड़ के गया सर, मैं बारिश हूँ, मैंने ये समझा सर वो क्या है कि वो लकड़ी के सारे सलता था पहले, तो मैं इनको लेके आऊँगा बड़ा सारा लगा कर बाहर, इसलिए बुला रहे हैं। अंदर गया, वो बोले हैं कि भूमा राम के मुंह से तो झाग निकल रहे हैं और ये अंदर पड़ा है। फिर क्या हुआ, मोबाइल थे वो हमें बाहर रखवा दिए, पहला ताड़ा खोला मैडम ने, वो खोल के अंदर दूसरा और था इस साइड में सर, राइट साइड में, रॉन्ग साइड में था सर। उस पर गया, भूमा राम मृत अवस्था में था सर, आँख की पुतलियाँ घूमी हुई थी, मेरे को लग रहा था वो मरा हुआ था पहले से सर। फिर क्या हुआ सर, उन्होंने कहा कि आप कोई प्राइवेट पर्सनल गाड़ी मंगवा आपकी कोई भी। तो मैंने कहा सर मैं पर्सनल गाड़ी अब कहाँ से लाऊँ मैं, तो पास में कुछ लोग खड़े थे सर, उन्होंने कहा कि अपनी सरकारी गाड़ी खड़ी है और तुम पर्सनल गाड़ी क्यों मंगवा रहे हो इनसे। तो फिर उन्होंने कहा हाँ ठीक है तो अपनी गाड़ी में। तो फिर क्या गया, पीछे वाले पैर मैंने पकड़े सर भूमा राम के, आगे वाला एक हाथ हेमा राम इनका भूमा राम का साड़ा उसने पकड़ा, एक हाथ पकड़ा जेल स्टाफ ने, पकड़ करके एम्बुलेंस वाली गाड़ी में डाल करके। मैंने तो थोड़ा कहा था मैं कि सर ये तो अभी हाल तो ख़राब है ये कहा। फिर पीछे मेंड में थी खड़ी, उन्होंने कहा कि इस कैदी के सिग्नेचर नहीं करवाए, रवान की किस्म में सिग्नेचर करवाने पड़ते, वो सिग्नेचर करवाए नहीं, तो क्या आप करो। मैं कि सिग्नेचर कहाँ करें, ये तो मृत अवस्था में क्या सिग्नेचर करवाएं, तो किसके भाई से करवा, तो भाई के नहीं चलेंगे। मैं पहले हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, फिर क्या होता है क्या नहीं होता उसके बाद सिग्नेचर, ये कहकर हम सर आगे हॉस्पिटल आने के बाद में डॉक्टरों ने 4-5 मिनट प्रयास किया, ऑक्सीजन वगैरह प्रयास किया था, फिर डॉक्टरों ने कहा ये तो मर्द पहले से हो गया है यार, अब लाने का इतना टाइम क्यों ज़्यादा लिया आपने, थोड़ा समय पर लाते तो ये ठीक हो जाता, ये बोला सर डॉक्टर। तो अभी आप लोग यहाँ पर मोर्चरी के बाद धरने पर बैठे हो, क्या मांगे हैं आपके? एंड सर एक बात ये भी है, मेरे भाई के गर्दन के कान के नीचे गर्दन में चोट लगी हुई है, रात को भी मैंने देखा था, और भी मेरा कोई आदमी देख रेख में गया था उसने भी देखा था, चोट लगी हुई है गर्दन। अब गर्दन को सर मरोड़ा है तो ही पता नहीं है, एंड कोई पीटा है तो ही पता नहीं है। अभी क्या मांग है? मेरी मांग तो ये है सर, मेरे को न्याय मिलना चाहिए, एंड मेरे भाई के बिल्कुल जेल कस्टडी के अंदर मृत्यु हुई है, और जेल कस्टडी में उनकी लापरवाही से इस मेरे भाई की मृत्यु हुई है सर, मेरे को न्याय मिलना चाहिए सर, यही निवेदन है सर।